मूवी कैसी लगी आप लोगों को? अमेजिंग, बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत। कैसी थी मूवी? मूवी एकदम फाड़ू थी। गंगूबाई काठियावाड़ा, एक ऐसी मूवी जिसका इंतजार लोग महीनों से कर रहे थे। आइए जानते हैं पहले दिन के पहले शो का आखिर रिव्यू क्या है, गंगा, गंगू और गंगूबाई का आखिर कहानी क्या है। मूवी कैसी लगी आप लोगों को? अमेजिंग, बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत। और अगर ये OTT पे आता या फिर अभी बिग स्क्रीन पे है तो क्या डिफरेंस रहा देखने का? ऑब्वियसली थिएटर है तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस तो बहुत। यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब सब कुछ रियलिटी में लग रहा था कि सामने हो रहा है। बहुत इमोशनल टच था मूवी में, बहुत इमोशनल, बहुत ड्रामेटिक। अच्छा, एक गाने का बहुत ज़्यादा जिक्र है सोशल मीडिया पे, ढोलीडा वाला जो सॉन्ग है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? एक नंबर सॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। लोगों ने कहा है कि आलिया भट्ट की बेस्ट मूवी मानी जाएगी अब तक की। ऑब्वियसली ये हम लोग अभी हम लोग यही बात ही कर रहे थे कि अब तक का आलिया का बेस्ट मूवी है। अच्छा, इसमें तीन टर्म थे ना, गंगा, गंगू और गंगूबाई, तो ये तीनों का सीक्वेंस क्या था, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा आप लोगों पे? जब ये थी, जब अपने घर पे थी ये, तो उस वक्त इसका नाम ओरिजिनल नाम गंगा रहता है। और जब इसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको लाया, ये लालच देके कि चलो एक्टर बनाना है तुमको, तो वो कोठे पे ले आया। तो उस हिसाब से वो जो कोठे पे गई तो जो गंगू रख दिया। अच्छा। तो ऑब्वियसली वो गंगू, फिर गंगू से बाई हो गई, जो हेड हो गई वो पूरे वहाँ की, तो गंगू बाई। रेटिंग के बारे में पूछे तो 5 out of 5 लोग कितना देंगे? 5 out of 5 ऐसा क्यों? 5 point वो किस चीज़ में कम हो रहा है? थोड़ा ज्यादा कहीं कहीं पे लेंदी हो जा रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो जा रहा है कहीं कहीं पे, बस कहीं। कंक्लूजन कैसा था? लास्ट एंडिंग होना चाहिए, वो एंडिंग जो होता है ढंग, अमेजिंग था कि वो उसका पूरा एक्सपीरियंस, उसका पूरा जर्नी दिखाया गया, दैट वाज अमेजिंग। संजय लीला भंसाली की जो मूवी होती है वो तो जानी ही जाती है रॉयलिटी के, अलग है। संजय लीला भंसाली के जैसा तो आई डोंट थिंक कोई हो सकता है, वो फैक्चुअल था, सब कुछ फैक्चुअल था, बिल्कुल। लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल आगे देखना चाहिए। हिस्टोरिकल मूवी है, लोग जाते हैं सारे मूवी देखने रोमांटिक, बट कुछ कुछ मूवी है हिस्टोरिकल, वो इंस्पायरिंग था कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली सीख मिलती है उससे हम लोगों को, तो ऑब्वियसली ये सब मूवी तो देखना ही चाहिए। कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ फेक दिखाया जा रहा है मूवी में या फिर कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ फैक्ट लगा। यस, आप लोग मूवी देख के आ रहे हैं, कैसे थी मूवी? मूवी एकदम फाड़ू थी, बहुत अच्छी मूवी थी, 5 star। जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था कि ट्रेलर बहुत मतलब बम्पर जा रहा था, वैसे मूवी थी या फिर? उससे डुपर हिट था, सुपर डुपर हिट था। आलिया भट्ट का क्या रोल था? आलिया भट्ट का बहुत बढ़िया रोल था, मेन लीडिंग रोल ना। मूवी कैसी लगी? अच्छी थी मूवी, अच्छी थी। जैसा ट्रेलर में दिख रहा था वैसा था या फिर कुछ और? नहीं, जैसा दिख रहा था वैसा ही था। ओके, आप मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छा। अजय देवगन का क्या रोल था उसमें? ऐसे तो नहीं था, बस वो एक विलन टाइप थे, बट कोई विलन का सीन नहीं दिया उनका। आलिया भट्ट का लोग ऐसा कह रहे कि रोल सबसे बेस्ट अभी तक की मूवी है, तो क्या आप कितना उसको सहमत है इस पे? हम 4.9 देना चाहेंगे। 4.9 देंगे? बहुत अच्छी एक्टिंग लगी उनकी, वैसे अभिवृत्ति को लेकर थी मूवी। अच्छा, उसी से रिलेटेड मूवी थी। मूवी कैसी लगी? मूवी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी, वन टाइम मूवी थी, बहुत अच्छी थी मूवी, क्योंकि वो एक लड़कियों को एक सीख सिखाता है कि लड़की को भी जो करना है कर सकती है, अच्छी थी मूवी। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.